लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बेटी अकेली बैठी हो? आइए आइए, अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ, इसीलिए आराम कर रही हूँ। वैसे तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। जितनी रकम आपको उन दिनों में किराए में देती थी ना, उतनी तो अब मेरे कुत्तों के बिस्किट्स के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। अब किराया देती कब थी तुम? वो कितना छोटा मकान था ना, सारा दिन पति और बच्चों को अपनी नजर के सामने देखते देखते बोर हो जाती होगी। ये तो कितना बड़ा बंगला है, हर आदमी का अलग अलग कमरा होगा ना, हर कमरे में एसी भी होगा, इसलिए तो आदमी चैन से रह सकता है अकेला। बहुत शानदार बंगला है, ये टीवी इंपोर्टेड है, ये साउंड सिस्टम भी इंपोर्टेड है, यहाँ पे तो सब चीज इंपोर्टेड दिखती है। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, तुम तो सौतन भी इंपोर्टेड लाई हो। पतिदेव कहाँ है तुम्हारे, छुपा के रखे हैं? वो बच्चों के साथ फैंटेसी पार्क गए। जानवी भी गई है? कितनी बेवकूफ लड़की है ना, पति और बच्चों को खुश रखने के लिए मामूली पार्क में जाने की क्या जरूरत है? 10,000 फेंको तो क्या बच्चे नहीं हंसेंगे, 20,000 फेंको तो पतिदेव खुश नहीं होंगे, मगर उसमें तेरी जितनी अकल नहीं है ना, वही तो। अमीर घराने की लड़की है, दुनिया घूमी है, फिर ये मामूली पार्क में क्या देखने गई होगी? कहीं ये देखने तो नहीं गई कि बच्चे झूले पे झूलकर कैसे खुश होते हैं और उनको खुश देखकर पतिदेव का मुंह कैसे खिल उठता है। चलो क्या कर रही हो काजल? क्यों नहीं बताया कि आप लोग यहाँ आ रहे हो, मैं भी साथ आ जाती। पता नहीं था तुम कब लौटोगी, और फिर बच्चों ने जिद की इसलिए हम चले आए। चलो अच्छा किया, हम घर चलते हैं। तुम चलो हम आते हैं। अब तक नाराज हो? नहीं। तो फिर चलते क्यों नहीं? क्योंकि कार में बैठने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं बस से आ जाऊंगा। जानवी दीदी, जब वो बस में जा रहे हैं तो मैं कार में कैसे जा सकती हूँ? आओ बच्चों, हम लोग चलते हैं। हम पापा के साथ आए थे ना मम्मी, अब आपके साथ जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। चल प्रीति। रोमी प्रीति चलो अपने कमरे में आके सो जाओ। चलो नहीं, मुझे यहीं खेलना है। बाकी कल खेलो, चल। हमें यही अच्छा लगता है माँ के पास। तुम्हारी माँ मैं हूँ, मैं। तुम तो मम्मी हो, माँ तो ये है। चलती है ये, लगा दे दो थप्पड़। चल बंद करो, बंद करो। चल तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। नहीं बहुत होशियार समझ रही है अपने आपको, वही तो, मगर मेरे साथ ये चला कि नहीं चलने वाली। माँ है माँ।
दिन मैंने जरा ध्यान नहीं दिया, ये तो मेरे पति और बच्चों की सबसे बड़ी हमदर्द बन बैठी। अरे यू यू लुभा लूंगी उन सबको। दो दिन, सिर्फ दो दिन मेरे हाथ का बना नाश्ता खाएंगे ना तो भूल जाएंगे उसके पास आना जाना। अरे सुनो जी, जल्दी लगाओ नाश्ता डाइनिंग टेबल पर, आप देखना कैसे मांग मांग कर खाते हैं। अच्छी गुड़िया, वाह माँ क्या पराठे बनाए, एक पराठा और जाना। वाकई जानवी, आज नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है। कम वक्त आंखें नहीं खुली जल्दी, अलार्म लगा के कल सुबह और जल्दी उठूंगी, क्या करूं। जानवी मैं जा रहा हूं। जल्दी आना। काजल, अब तक तो तुम पर तरस आता था लेकिन अब वो भी नहीं आता। छी! इतना गुस्सा करने लायक मैंने क्या कर दिया? हाँ क्या कर दिया मैंने? शट अप! मेरे पूछे क्या किया मैंने? जवाब दो, मैंने क्या किया? इतनी बड़ी गलती करके पूछती है क्या किया है? अरे तूने तो खुद अपने सुखचैन में आग लगाई है और पूछती है लपटे क्यों उठ रही है? माँ, बहुत रुपया कमा लिया ना तूने, सारी जिंदगी खर्च नहीं होंगी लेकिन अपन रुपये को खर्च करने लायक जिंदगी बची है तेरे पास। एक कटोरी शक्कर मिलेगी जानकी बहन? लाती हूँ। तू काजल है ना बेटी? मेरा पति मुझे छोड़ गया, तू खुद अपने पति को छोड़ आई, हम दोनों की ही किस्मत फूटी निकली। क्या अजीब सी बात कर रही हो काजल, तुम अपने होश में तो? होश में आ गई हूँ इसीलिए कह रही हूँ, मैं ही जानती हूँ मैंने क्या खोया है। नहीं चाहिए मुझे ये बंगला, ये कार, ये सब कुछ, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे बेटी तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे दे, झगड़ा खत्म हो जाए इसी बहाने। आप एक मिनट के लिए चुप रहेंगे, वो कुछ बोल रही है। बोल बेटी बोल। इससे कहिए अपनी सारी दौलत वापस ले ले और मेरे पति मुझे लौट दे। काजल तुम कैसी? आप जरा ठहरिए, और इस बात का मतलब क्या हो दीदी? मतलब साफ है, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस चले जाओ अपने घर। मेरे यहाँ से चले जाने से आपको आपके पति वापस मिल जाएंगे, हो सकता है वो भी मेरे साथ ही चले जाए। देखा माँ, देखा कितने रात से बात कर रही है, एक तो मेरे पति और मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया और वापस आई। क्यों उस बड़ी लड़की को कोस रही हो काजल? तूने अपनी गृहस्थी खुद ही तो उजाड़ी है दौलत और शान की खातिर। देखो काजल, हमारे दामाद पे मेरी जानवी का हक तुमसे कहीं ज्यादा है। अच्छा, वो कैसे? वो कैसे? कानूनन वो राज की पत्नी है और राज से प्यार भी करती है। यानी कि मैं नहीं प्यार करती उनसे? तुम प्यार क्या जानो, जिसने पैसों के लिए अपने पति को बेच दिया। किस मुंह से कह रही हो कि जानवी चली जाए यहाँ से? तुम क्यों नहीं चली जाती घर छोड़ के? बदले में जितने पैसे मांगोगी मैं दूंगा। आओ बेटी। बड़ा अच्छा मौका है बेटी, मांग ना, वो मांगी रकम मिल जाएगी तुझे, 10 बंगले 30 गाड़ियां और खरीद सकती है तू। बाबू जी। बेटी ऐसे में मैं क्या बोलूं, मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। दौलत में ही सारा सुख है, यही कहा था ना तुम्हें काजल, आज तुम्हारे पास सारी दौलत है लेकिन मैंने तुमसे बड़ा गरीब नहीं देखा। पैसे मिलेंगे तो क्या तुम मुझे और प्रीति को भी बेच दोगी?
अब साथ साथ खाना खाते हैं, क्या पता फिर कभी यह मौका मिले ना मिले। खिला दीजिए, अपने हाथों से खिला दीजिए, पता नहीं ऐसा मौका फिर कभी मिले ना मिले। काजल कैसी बातें कर रही है, कोई चीज हाथ से छूट के कुएं में गिर जाए तो उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि खुद डूब मरना चाहिए। नहीं जानती। मैं सब कुछ जानती हूँ, हसमुख लाल जी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। उस जान जानू ने मेरे पति को मस में कर लिया, मेरे बच्चों को भी कुछ खिला कर मुझसे दूर कर दिया। पागलों वाली बातें मत कर, तू जानवी को उसकी सारी दौलत वापस लौटा दे और उसे वापस जाने को कह। मैंने सब कुछ करके देख लिया पर वो डर से मस नहीं होती, अड़ के बैठ गई। मैं क्या करूं? ये अच्छी जबरदस्ती है, तू तू किसी अच्छे वकील से राय क्यों नहीं ले लेती? इसमें शुक्रिया की क्या बात है सानी साहब, ये तो मेरा फर्ज था। साहब आपको कोई नीचे मिलने आई है? शायद मेरा कोई क्लाइंट है, आप बैठिए मैं भी उससे मिलकर आता हूं। ओ, तुम आप कैसे आना हुआ? मैं अपने पति से फिर से शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, आप भी ऐसी है, मेरी जिंदगी पर तो सभी को हंसी आ रही है। माफ करना बेटी, मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि तुम शादी को गुड्डे गुड़ियों का खेल समझ रही हो। याद है मैंने तुमसे उस वक्त भी कहा था कि अपने पति से तलाक मत लो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुम अपने पति की दूसरी शादी बकायदा करवाना चाहती थी, जो तुम्हारे तलाक लिए बिना नामुमकिन था। अब भी वही बात लागू होती है, अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो पहले मौजूदा पत्नी को उसे तलाक देना होगा। क्या वो इस बात पर राजी है? नहीं। तो फिर तुम ही बताओ ये कैसे मुमकिन है? वो तो मैं नहीं जानती, आप कैसे भी करके उस चुड़ैल को मेरे घर से निकलवा दीजिए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो तलाक तो मैंने यूं ही दिखावे के लिए लिया था, एक तरह का समझौता किया था कानून के साथ। सच पूछिए तो अभी भी मैं राज की पत्नी हूँ। नहीं, अब राज की पत्नी जानवी है, तुम नहीं। क्यों नहीं? ये मंगलसूत्र भी है ना मेरे गले में? हाँ है, मगर अब ये सिर्फ एक गहना है, सजावट की चीज। नहीं ऐसा मत कहिए, मन से वचन से तन से मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। लेकिन कानून के मुताबिक अब जानवी ही उसकी पत्नी है। तो फिर मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कहते हुए जबान तो नहीं चलती, पर तुम जिद करती हो इसलिए कह देता हूं।
तुम एक ऐसी विधवा हो जिसने अब तक अपनी मांग से सिंदूर नहीं पहुंचा। दीदी क्या हरकत है, पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ। पैसों का लालच देकर तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तुम जाती है। हाथ रोक ले वरना तोड़ के रख दूंगी। जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ उतना तो सर पे चढ़ जाती है। क्या 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 बर्दाश्त तू कर रही है या मैं कर रही हूँ? मैंने तेरा उंगली क्या पकड़ाई, तूने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया। मेरे पति को मुझे छीना चाहिए। कैसा, वो मेरे भी पति है। अरे जा, मैं नहीं जा सकती, इसलिए तुझसे शादी की। अरे इजाजत कैसी, रुपया लिए है नगद और फिर बेचा है तूने। अरे बकवास करना बंद कर, वरना मुंह तोड़ दूंगी। क्या बेचा है मैंने, क्या बेचा है? पति बेचा है अपना पति, और उसे रुपए से सब खरीदा है, समझे? अच्छा तो फिर ये घर में रहिए ना, तुझे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं, चले जा यहाँ से। काजल ये क्या हो रहा है? अच्छी बात है, अब चलिए मेरे साथ चलिए। ये कहीं नहीं जाएंगे। जाएंगे कैसे नहीं, खबरदार जो हाथ लगाया, ये मेरे पति है, ये बस सिर्फ मेरा हाथ। ऐसे शराब काट डालो मुझे, दो टुकड़े काट डालो मेरे, एक तुम ले लो और एक तुम ले लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या आप मुझसे कह रही जी? हाँ तुमसे कह रहा हूं काजल, तुमसे कह रहा हूं। हद से ज्यादा बुरा बर्ताव किया तुमने, सारी सीमाएं पार कर दी तुमने, अपने घर में हाथ तुमने खुद लगाई है और अब तुम हद से जा रही हो। हक का फैसला हो चुका। जानवी बेटी, तुमने राज और काजल के तलाकनामे की एक कॉपी मांगी थी, वो मैं ले आया। अब तुम्हें इस लालची औरत से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। रख ले ये घर ये गाड़ियां, मगर राज पर अब इसका कोई हक नहीं। आओ चलो अपने घर चलते हैं, और राज तुम भी चलो। मैं नहीं चाहता कि मेरा दामाद किसी पराई औरत के साथ कोई ताल्लुक रखे। नहीं जा सकते हो तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो। काश ना करता होता, इसी प्यार के हाथों मजबूर होकर तो मैंने तुम्हारी सारी जिदें मानी है। मैंने दूसरी शादी की तुम्हारे प्यार की वजह से, इसी अपने प्यार का वास्ता दे देकर तुम मुझे जानवी के करीब और करीब धकेलती गई और अपने से दूर। जिस प्यार ने मुझे और तुम्हें बांध रखा था तुमने उसी को बेच दिया। अब तो सौदा हो चुका है काजल, तुम्हें मुंह मांगी रकम मिल गई, तुम्हारा प्यार जानवी को मिल गया। अब अगर मैं उसके साथ ना जाऊं तो बेईमानी होगी। इंसाफ यही है कि मैं जानवी का पति हूं और उसी के साथ रहूं। डैडी हमें भी साथ ले चलो ना, हमें मम्मी के पास नहीं माँ के पास रहना है। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं हार जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ। जानवी, राज और बच्चों के पासपोर्ट और वीजा मैं ले आया हूँ, अब बोलो क्या कहती हूँ। सोचा था सुख से राज के साथ जिंदगी बिताऊंगी, लेकिन यहां रहकर तो न मैं सुखी रह सकती हूं और ना ही राज। परेशान मत हो बेटी, अमेरिका की सबसे पहली फ्लाइट जो है उसकी टिकट मैं बुक करवा देता हूं। क्यों, ठीक है ना राज? मेरी जिंदगी मेरे हाथों में नहीं अंकल, वो तो कब की बिक चुकी है, जैसा आप और जानवी ठीक समझे। ये क्या पागलपन है भाई बेटी, इस तरह अपना सब कुछ दान में दे देने से तेरा पति तेरे पास वापस लौट आएगा? जानती हूं नहीं लौटेंगे, पर इस दौलत को मैं करूंगी क्या? मैं तो समझती थी कि अपने परिवार के लिए मैं खुशहाली खरीद रही हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। कैसा मेरा ही पागलपन था, काश वो लोग जान पाते कि मेरे लिए दौलत से कहीं ज्यादा कीमती मेरे पति और मेरे बच्चे। अगर मेरे नादानी के लिए वो मुझे माफ कर दे, इस
जन्म है तो मेरे लिए इतना ही काफी है। लो काजल साइन करो। एक बार और सोच ले बेटी। हाँ कुछ तो शर्म कीजिए, कर दे दस्तखत बेटी, और कुछ नहीं तो सैकड़ों हजारों गरीबों की दुआएं मिल जाएंगी तुझे। कहाँ जा रही बेटी? एक बार उन्हें और बच्चों को जी भर के देख लो, एक बार अपने गुनाहों की माफी मांग लो, और उसके बाद जानवी मेम साहब, राज साहब और बच्चे अमेरिका के लिए निकल गए। क्या? कब? घंटा भर हो गया, आप जल्दी एयरपोर्ट जाएं तो मिल सकते हैं। टैक्सी! आइसक्रीम्स होंगी और चॉकलेट। yes. या पापा मम्मी जताने नहीं आई हूं, रोकने भी नहीं आई हूं, बस एक बार तुम लोगों को देखे बिना रह नहीं पाई इसलिए भागे चली गई। गलती की थी ना, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैंने मैंने सारी की सारी दौलत बाहर में दे दी, कुछ भी नहीं रखा, रहना सुखी रहना यही मेरी प्रार्थना है। बस बच्चों को खुश रखना। ये जी क्या जाने से पहले एक बार तुम्हें छू सकती हूं? जब तुम घर से बाहर जाते थे तो मैं टीका लगाती थी, अब तो देश छोड़कर जा रहे हो, वही तो आखिरी बार टीका लगाने की इजाजत होगी। फ्लाइट का टाइम हो गया बेटी। मेरी गलती माफ करने की लायक नहीं है जानवी, पर कभी इस पगली दीदी की याद आ जाए तो बच्चों और इनकी खैर खबर की एक चिट्ठी डाल देना। जानवी बेटे देर हो रही है। जी चलती हूँ राज, मैंने सिर्फ एक ही टिकट लिया था, मैं अकेली जा रही हूँ राज। जानवी बच्चे और राज मेरे साथ नहीं जा रहे दीदी, गलती दीदी ने कम की थी, उनसे भी बड़ी गलती तो मैंने की थी। लालच पहले मेरे मन में जागा था, जिसके हाथों मजबूर होकर मैंने दीदी के भी मन में लालच पैदा कर दिया। यह लालच बहुत बड़ी कमजोरी है इंसान की, जो चीज आंखों को भा जाए दिल उसके पीछे भाग पड़ता है, और फिर हम दिल के पीछे भाग पड़ते हैं। गलत है ये,
नहीं करना चाहिए ऐसा। और फिर प्यार भी कभी खरीदा या बेचा जा सकता है भला? ये मत समझना राज कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार कुछ कम हो गया है, बल्कि अब तो मैं तुम्हें और भी चाहने लगी हूं। लेकिन इस सारे खेल में सबसे ज्यादा सहन तो तुम्हें ही करना पड़ा। मैंने जबरदस्ती तुम्हें अपने आप से बांध कर रखा, लगातार मैं अपने अंधे प्यार के खातिर नाइंसाफी करती रही और लगातार तुम इंसाफ के खातिर अपने प्यार को कुर्बान करते रहे। मगर चांदी, अब कुछ मत बोलना। देखा है मैंने, देखा है कि कितना प्यार करते हो तुम दीदी से और वो तुमसे। बस अब दीदी से फिर से ब्याह कर लेना। मैंने सारे जरूरी कागजात साइन करके वकील अंकल के पास छोड़ दिए हैं। चलती हूँ। नहीं मत जाओ जानवी, हम लोग सब साथ रहेंगे, मैं वादा करती हूँ, हम खुश रहेंगे। जानती हूँ, लेकिन अपने हिस्से का प्रायश्चित मुझे भी तो करना है। नहीं जानवी, प्यार तो मुझे अपने हिस्से का मिल गया दीदी, बल्कि जितने की हकदार थी उससे ज्यादा ही मिला है। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ दीदी, राज की याद अपने मन में और उसकी छवि अपने पेट में लेके जा रही हूँ। ये छोटा राज जैसे ही इस दुनिया में आएगा, सबसे पहले उसकी तस्वीर आपको भेजूंगी, उसके सर पर हाथ रख के उसे आशीर्वाद दीजिएगा।